हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेजेंडर फंक्शंस के रोटरी फंक्शन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2019 में 8 मार्क्स में आया था और 2021 में हमें फेब्रुअरी में पेपर हुए थे हमारे, तो ये भी 8 मार्क्स में आया था। ये हर बार रिपीट होता है 2019, 2021, बिकॉज 2020 में तो लॉकडाउन था तो हमारे पेपर नहीं हुए थे, तो 2020 में पेपर नहीं हुए थे तो हमारे फेब्रुअरी में पेपर हुए थे। ये हर बार रिपीट होता है। 17, 18, 19, 21 में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया था, तो आपने ये अच्छे से कर लेना है। रोड्रीस फंक्शन फॉर्मूला फॉर PNX, इसकी स्टेटमेंट प्रूफ आएगा। इसका स्टेटमेंट क्या है? PNX इक्वल टू 1/2 की पावर n फैक्टोरियल d की पावर dx की पावर x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n। लेट कर लिया y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n। नाउ इसको डेरिवेटिव कर दिया, जो हमारा अंदर वाली टर्म थी उसको हमने y लेट कर ली। ये हमने ऐसे स्टेटमेंट बनाकर ऐसे थोड़ा हाईलाइट कर देना इसको, ये हमारा प्रूफ है। नाउ हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू 2nx एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n। इसकी वैल्यू क्या थी हमारी? y यहाँ पे पुट कर दी। नाउ हमारा क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इक्वल टू 2nxy। इसे दे दी इक्वेशन 1 बाय लिबनिट्ज थ्योरम। ये हमने कहाँ पे की थी? ग्रेजुएशन में। आप ग्रेजुएशन की बुक में ये रूल देख सकते हो या नेट में सर्च मार के देख सकते हो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप टू एन प्लस 1 टाइम्स। हमने कितने टाइम्स करना है? एन प्लस 1 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन प्लस 1 सी 0 डी की पावर, एक एड हो जाएगी, एन प्लस 1 प्लस 1 एन प्लस 2 dy/dx की पावर एन प्लस 1 प्लस, इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन प्लस 1 सी 1 और एक माइनस हो जाएगा, d की पावर एन प्लस 1 dx की पावर एन प्लस 1 y प्लस, इसका डेरिवेटिव क्या है? 2 एन प्लस 1 सी 2 d की पावर n dx की पावर n y प्लस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसी के साथ ये स्टेप हमारा खत्म होता है। इज इक्वल टू 2nx। अब इसका डेरिवेटिव करो, 2n तो हमारा कांस्टेंट है, इसी तो हमने बाहर निकाल दिया। नाउ हमारा x एज इट इज कितनी टाइम्स करना है? n प्लस 1 सी 0 डी की पावर, एक हमारा ये है नहीं, डी की पावर n प्लस 1 वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस 1। यहाँ पे तो हमारा dy/dx था, तभी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? n प्लस 2, इस दोनों को ऐड कर दिया था, बट यहाँ पे क्या हमारा? y, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, d की पावर n प्लस 1 y अपॉन डी की dx की पावर n प्लस 1 प्लस, x का डेरिवेटिव 1 n प्लस 1 सी 1 डी की पावर n y अपॉन dx की पावर n। नेक्स्ट स्टेप प्लस, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो ये स्टेप हमारा खत्म होता है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम भी आती है तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वहां पे समझा दूंगी आपको। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे और इनकी वैल्यू निकाल देंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? एन प्लस 1 और इसकी वैल्यू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन कैसे करते हैं हम? एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एन प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये क्या आ जाएगा? एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको ओपन करो, एन प्लस 1 एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, वैसे भी इसका 2 ही आना है, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसर, तो क्या आ जाएगा? एन एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल।
ये टर्म एज इट इज डी की पावर एन वाई डी एक्स की पावर एन इक्वल टू टू एन, इसकी वैल्यू क्या होती है वन, आप ऐसे भी ओपन करके देख सकते हो, इसकी वैल्यू क्या है एन प्लस वन डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। नाउ हमने ओपन कर दिया, इसके साथ ये टर्म कैंसिल, तो क्या आ गया टू एक्स माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन माइनस टू एन माइनस एन, इसमें से कॉमन निकाल दो एन, क्या आ जाएगा माइनस एन कॉमन निकाल दो माइनस एन, एन प्लस वन डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इक्वल टू जीरो। इसे दे दिए इक्वेशन टू, पुटिंग वी इज इक्वल टू डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इन टू, वी गेट यहाँ पे हमने इसको क्या पुट करना है वी, तो क्या आ जाएगा डी वी डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस माइनस एन एन प्लस वन वी इक्वल टू जीरो। नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल देंगे, वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एन एन प्लस वन इक्वल टू जीरो। डज v इज इक्वल टू डी की पावर एन वी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इज ए सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन, ये हमने ग्रेजुएशन में किया है ना, तो ये क्या बन गया इसका सोल्यूशन बन गया, शायद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये क्वेश्चंस किए हैं ग्रेजुएशन में, आप उस बुक में देख सकते हो। देयरफॉर c इज इक्वल टू c इंटू डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू पी एन एक्स, ये क्या है इसका सोल्यूशन, आपको हमें पता है v इज इक्वल टू ए पी एन एक्स, ए इज इक्वल टू वन अपॉन c हमने लेट कर ली, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी v इज इक्वल टू वन अपॉन c पी एन एक्स, पी एन एक्स की वैल्यू आ गई c इंटू वी, v की वैल्यू क्या आती है हमारी d की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। वेयर c इज ए आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, हम अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, वी हैव y इज इक्वल टू x की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस वन की होल पावर n जो हमने फर्स्ट स्टेप में लेट की थी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा d की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव d की पावर n डी एक्स की पावर n वन माइनस एक्स की होल पावर n प्लस एन सी वन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा n n एक्स प्लस वन की होल पावर n माइनस वन, और ये टर्म एक कम हो जाएगी, बस अप टू ऐसे ही चलता जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बनेगी एन सी टू एन इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एन माइनस टू, यहाँ पे एक टर्म और कम हो जाएगी डी की पावर एन माइनस टू एक्स माइनस वन की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन। अब क्या होगा लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चल जाएगा, देन x इक्वल टू वन वन प्लस वन टू की पावर n, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी n फैक्टोरियल, यहाँ पे हमने वन माइनस वन पुट किया जीरो, वन माइनस वन पुट किया जीरो वन, तो ये सारी टर्म्स हमारी खत्म हो जाएंगी, ओनली फर्स्ट टर्म रहेगी बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है हमारी n फैक्टोरियल। ये देखो d की पावर n माइनस वन डी एक्स की पावर n माइनस वन एक्स माइनस वन की पावर n, क्या आएगा हमारा n फैक्टोरियल x माइनस वन, अब यहाँ पे x को वन पुट करके देखो तो वन माइनस वन जीरो, तो ओनली हमारी ये वाली टर्म बचेगी, आप ये डेरिवेटिव कॉपी पे करके देखना, अगर आपका ये स्टेप नहीं बनता है तो आपने मुझे कमेंट कर देना है। देन हमारी वैल्यू क्या आएगी टू की पावर n n फैक्टोरियल, पुटिंग x इक्वल टू वन इन थ्री, थ्री हमारी कौन सी थी ये वाली, हमने क्या पुट करना है x इक्वल टू वन, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारा ये बन गया पी एन वन, पी एन वन की वैल्यू क्या आ गई हमारी
सी इसकी वैल्यू क्या है, टू की पावर एन एन फैक्टोरियल, सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर एन एन फैक्टोरियल, पी एन एक्स पी एन वन इज इक्वल टू वन, ये हम प्रूव करेंगे। ये देखो क्वेश्चन वन में ये पार्ट क्वेश्चन का वन होगा, आप वहां से क्वेश्चन को देख सकते हो। पी एन वन की वैल्यू क्या आती है, वन, और पी एन माइनस वन की वैल्यू होती है माइनस वन की पावर एन, ये आपने लर्न करनी है। सो हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन टू की पावर एन एन फैक्टोरियल, वहां पे हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे पी एन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर एन एन फैक्टोरियल डी की पावर एन वाई डी एक्स की पावर एन। सो हमारा ये स्टेप बन गया, पी एन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर एन एन फैक्टोरियल डी की पावर एन, वाई क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन, हैज प्रूव्ड। ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना है, ये हर बार रिपीट होता है। आप या तो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दे रखा है, आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर ओपन करके देख सकते हो। थैंक यू।